नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देख रहे हैं गृह विज्ञान के बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो हमारा क्वेश्चन है, सीवन की जाँच किस प्रकार की जाती है? सीवन की जांच पोशाक को उलटकर की जाती है। अगर हम पता लगा सकते हैं कि धागे का रंग पोशाक के रंग के अनुकूल है या नहीं, धागा मजबूत है या नहीं, उचित प्रकार से सीवन की गई है या नहीं, सीवन सफाई से लगी है या नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार वस्त्रों में लेबल पर देखभाल से संबंधित क्या जानकारियाँ दी जाती हैं? तो तैयार वस्त्रों पर लेबल से संबंधित निम्न जानकारियाँ दी जाती हैं, मशीन हाथ से धोएं, मशीन या हाथ से आप किसे धोएं, मशीन से धोएं, सावधानी पूर्वक विरंजक करें, ड्राई क्लीन करें, ड्राई क्लीन ना करें, इस्त्री करें, इस्त्री ना करें। तो तैयार वस्त्रों पर सारी जानकारी दी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैयार पोशाक कैसे होनी चाहिए? तैयार पोशाक शरीर पर फिट होनी चाहिए, यह ना तो अधिक ढीली और ना ही अधिक टाइट होनी चाहिए। तैयार पोशाक का कपड़ा आरामदायक, सिलाई व सीवन मजबूत होना चाहिए, सीवन बद्दी नहीं होना चाहिए। पहनने वाले को पोशाक पहनकर संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। पोशाक सामान्य अनुकाल समय के अनुकूल तथा व्यक्तित्व के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय व क्षारीय प्रतिकर्मकों को में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्लीय प्रतिकर्मक जैसा कि नाम से प्रतीत होता है अम्लीय स्वभाव के होते हैं, ठीक है, जबकि क्षारीय प्रतिकर्मक क्षारीय स्वभाव के होते हैं। अम्लीय प्रतिकर्मकों द्वारा क्षारीय स्वभाव वाले धब्बे छुड़ाए जाते हैं, जैसे फलों का रस ऑक्सैलिक अम्ल से छुड़ाए जाते हैं। इस प्रकार क्षारीय प्रतिकर्मकों द्वारा केवल सूती व लिनन वस्त्रों के दाग छुड़ाए जाते हैं क्योंकि प्रतिकर्मक रेशों को हानि पहुँचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र पर धब्बों की पहचान किस प्रकार करेंगे? तो वस्त्र पर धब्बों की पहचान निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहला है धब्बे को देखकर, कि शाही का है, कॉफ़ी का है, चाय का, भूरा है, हल्दी का है, पीला रंग, तो आप उसका कलर टेक्सचर देख के पता कर सकते हैं। दूसरा है गंध, मतलब स्मेल देखकर, कि पेंट की है, पसीने की है, इत्र की है, बूट पॉलिश की है, आदि की है। छूकर मतलब टच करके, दूध है, चाशनी है, अंडे का धब्बा, ये सब। नेक्स्ट है, वस्त्र पर लगे धब्बे हटाना अनिवार्य है, क्यों? धब्बे या दाग वस्त्रों की सुंदरता, आकर्षकता एवं नवीनता कम हो जाती है, ऐसे वस्त्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। वस्त्र कितना भी सुंदर हो लेकिन उस पर यदि उस धब्बा लग जाता है तो सभी की निगाहें वस्त्र पर ही ठहरने लग जाती हैं, उसी धब्बे पर दिखने लग जाते हैं कि भाई धब्बा लगा हुआ है। अतः धब्बे को छुड़ाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, साथ में आपका वस्त्र वो ख़राब भी नहीं होता है। किसी अज्ञात धब्बे को किस प्रकार छुड़ाया जा सकता है? मतलब आपको पता ही नहीं है कि धब्बा कौन सा है तो आप उसको कैसे छुड़ाएंगे। किसी अज्ञात धब्बे को छुड़ाने के लिए सर्वप्रथम हानिकारक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। पहले ठंडे पानी में भिगोकर धब्बे को छुड़ाना, फिर गर्म पानी में धोकर धब्बे को छुड़ाना, खुली हवा में ब्लीच करना, अल्कोहल घोल का प्रयोग करना है ना, एसिड प्रयोग का गोल का जो एसिड है, केमिकल्स होते हैं, गाल का प्रयोग करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिकनाई के धब्बों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? चिकनाई अवशोषक पाउडर के रूप में होते हैं, वे वस्त्रों पर लगे चिकनाई के धब्बों को अवशोषित कर उन्हें दूर करते हैं। चिकनाई अवशोषक विभिन्न प्रकार के होते हैं, टैल्कम पाउडर, आटे का चोकर है, ब्रेड का चूरा, मैदा, आटा, नमक आदि। धब्बे छुड़ाने हेतु रासायनिक विधि लिखिए। कुछ धब्बे रासायनिक पदार्थों द्वारा छुड़ाए जाते हैं, ये रासायनिक पदार्थ निम्न है, ऑक्सैलिक एसिड, जेवेल वाटर है, बोरेक्स है, नींबू का रस है, सुहागा, मिथाइलेटेड स्प्रिट है, अमोनिया है आदि। इन पदार्थों में से कोई एक धब्बे का पर लगाया जाता है, उसके बाद धब्बे को पानी से धो लिया जाता है, ठीक है। शोधक पदार्थ किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। वे पदार्थ जो वस्त्र पर लगे मैल धूलकण चिकनाई आदि को धोकर वस्त्रों को स्वच्छ, उजाला, चमकदार, ताजा, नवीन और जीवंत बनाते हैं, शोधक पदार्थ कहलाते हैं। वस्त्रों को साफ सुथरा, ताज़ा, दागरहित बनाने के लिए शोधक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। साबुन, रीटे का सर, डिटर्जेंट, चोकर, समुद्री झाग आदि शोधक पदार्थ हैं। प्राणिज वसा एवं वनस्पति वसा में निर्मित साबुन में क्या अंतर है? प्राणिज जो वसा होती है वनस्पतिक वसा में निर्मित साबुन में यह अंतर होता है,
जो साबुन जा कम देता है जबकि धुलाई अच्छी करता है, जबकि वनस्पति वसा से निर्मित साबुन कम दागों वाले होते हैं, साबुन झाग अधिक देते हैं। साबुन की विशेषताएं बताते हुए इनका वर्गीकरण कीजिए। तो साबुन में निम्न विशेषताएं होती है। उत्तम गुण वाले साबुन में जल में शीघ्रता से घुलकर अधिक झाग उत्पन्न करते हैं। अधिक झाग जो अधिक क्षार वाले साबुन के उपयोग से बस पीले पड़ जाते हैं। अतः उत्तम गुण वाले साबुन से क्षार व रेजिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होने चाहिए। उत्तम साबुन में 30% जल और 61 से 65% वसी अम्ल होते हैं। उत्तम गुणों वाला साबुन त्वचा व वस्त्रों पर मुलायम और चिकना होना चाहिए। उपयोग के आधार पर साबुन का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, मृदु साबुन और कठोर साबुन। फिर नेक्स्ट है, साबुन निर्माण में क्षार का क्या महत्व होता है? तो साबुन में निर्माण में क्षार एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। क्षार के लिए प्रमुख रूप से कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटाश बाजार में पपड़ी बट्टी तरल अवस्था में उपलब्ध होते हैं। साबुन में अधिक जागरूक बनाने के लिए कास्टिक पोटाश KOH का प्रयोग किया जाता है। डिटर्जेंट किसे कहते हैं? विशेष प्रकार के कार्मिक पदार्थ है जिसमें साबुन की सामान्य की सफाई का गुण पाया जाता है, परंतु ये स्वयं साबुन नहीं होते हैं। ये कठोर जल में द्वारा ही खूब जाग देते हैं। साधारण अपमार्जक सोडियम लॉरिक सल्फेट है। इसका उपयोग महंगे कपड़े, कांच, स्टील के बर्तन, सनमाइका के फर्नीचर आदि साफ करने के लिए किया जाता है। उत्तम साबुन के कोई 3 गुण बताइए। उत्तम साबुन जल में शीघ्रता से घुलते हैं। साबुन में क्षार व रेजिन की मात्रा अधिक नहीं होती है। उत्तम साबुन में 30% जल से एवं 61 से 65% तक वसीय अम्लक होते हैं। वस्त्रों को समय समय पर धूप दिखाना क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। नमी से वस्त्रों में दुर्गंध, फफूंदी, कीड़े लगने की आशंका बनी रहती है। अतः समय समय पर वस्त्रों को धूप हवा दिखानी चाहिए ताकि वस्त्र सुरक्षित रह सके। इसमें ना तो वस्त्रों को दुर्गंध रहती है और नमी भी समाप्त हो जाती है। धूप व हवा दिखाना वस्त्रों की सुरक्षा के साथ साथ कीड़ों में भी बचाव का कारक है। स्वच्छता से संग्रहित वस्त्रों का बताइए। तो वस्त्रों को संरक्षण के लिए उचित रखरखाव का विशेष महत्व है। सामान्य रूप से सभी वस्त्रों का प्रत्येक मौसम का धारण नहीं किए जा सकते। अतः कुछ वस्त्रों को कुछ वर्ष के लिए, कुछ समय के लिए अनिवार्य रूप से संग्रहित करना पड़ता है। इन वस्त्रों को बंद अलमारी या लॉकर में ही रखा जाता है, लॉट्स में ही रखा जाता है, क्षमा करें, करना चाहिए ताकि इसमें नमी, फफूंद, कीड़े तथा चूहों से हानिकारक की आशंका नहीं होती है। वस्त्रों को गंदा या मैला नहीं रखना चाहिए। वस्त्रों को धोकर सूखने के बाद ही रखें। कोमल वस्त्रों को कागज में लपेट कर रखने से वे सुरक्षित रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों को गंदगी से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? वस्त्रों को गंदगी से बचाने के लिए उन्हें नियमित रूप से धूल रहित करते रहना चाहिए। गर्म वस्त्रों को संदर्भ में बात अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। अधिक धुलाई संभव नहीं होती है, इट्स ट्रू टफ। अतः नियमित रूप से झाड़कर ब्रश की सहायता से इनको रखना चाहिए, ठीक है। कि पड़ी धूल के हाथ से मैल का रूप धारण कर लेती है। रक्षा के लिए प्रमुख कार्य उपाय कौन कौन से हैं? तो वस्त्रों को रखने से पूर्व अलमारी में DDT पाउडर छिड़काव, अखबार का कागज बिछा देना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को अखबार में लपेट कर रखें। बहुमूल्य वस्त्रों को सूखी धुलाई करवा कर रखें। एंड नेक्स्ट है, वस्त्र रखने के संदूक में नैप्थेलिन की गोलियां रखनी चाहिए। विभिन्न तंतुओं के विभिन्न निर्मित वस्त्रों को अलग अलग रखें। ऊनी वस्त्रों को सदैव धोकर ब्रश की सहायता से रखने चाहिए। पहनने के साधन वस्त्रों की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे? तो पहनने के साधन वस्त्रों की देखभाल अपन इस प्रकार करेंगे। जहाँ तक संभव हो सके वस्त्रों को घर पर ही धोना चाहिए, उन्हें उनका जीवन काल बढ़ जाता है। बनियान, अंडरवियर आदि का प्रयोग प्रतिदिन कर आदि को प्रतिदिन धोना चाहिए। कमीज, साड़ी इत्यादि को हैंगर पर टांग कर सुखाएं, इससे उन पर प्रेस आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के वीडियो।